नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं ट्विंकल वर्मा, गोल्ड फिल्म मिरर की तरफ से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस प्रोग्राम का नाम CFM वीक है। गोल्ड फिल्म मिरर आप सभी को एक सुनहरा मौका दे रहा है इस वीडियो में जुड़ने के लिए। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध है, आप सभी अपनी स्वरचित कविता पाठ करते हुए उस नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी प्रतिभाओं को निखार सकते हैं। आइए कविता की ओर आगे बढ़ते हैं। आज की मेरी स्वरचित कविता का शीर्षक है परिवर्तन है जरूरी। जिंदगी के हर मोड़ पर परिवर्तन है, जिंदगी के हर मोड़ पर परिवर्तन है। परिवर्तन सकारात्मक ही हो ऐसा जरूरी नहीं, परिवर्तन सकारात्मक ही हो ऐसा जरूरी नहीं। कुछ परिवर्तन जिंदगी बदल देती है, कुछ परिवर्तन जिंदगी बदल देती है। किसी को सुधार देती है तो किसी को बिगाड़ देती है, किसी को ऊंचाइयों पर पहुंचाती है, किसी को गड्ढे में गिरा देती है। नर नारी दोनों के जीवन में समान रूप से परिवर्तन होता है, नर नारी दोनों के जीवन में समान रूप से परिवर्तन होता है। नारी की पीड़ा जग को दिखता है, नारी की पीड़ा जग को दिखता है, पर नर की पीड़ा को वह स्वयं नहीं देख पाता है, नर की पीड़ा को वह स्वयं नहीं देख पाता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नंदिनी कुमारी साहू, स्वागत है आप सभी का CFM वीक में। आज का मेरा शीर्षक है मन का अंधविश्वास। अंधविश्वास की नगरी में सच्चाई की क्या कद्र हो, भ्रम में लोग जीते हैं, असलियत की क्या फिक्र हो। फैली जो झूठी अफवाह इसके पीछे जाते हो, इंसान की महत्व क्या यहाँ, पत्थरों को तो पूजते हो। देवी देवताओं के नाम पर महाज्ञानी होने का ढोंग करते हो, देखते हो दूसरों का भविष्य, यह बताओ तुम खुद का भविष्य क्यों नहीं बनाते हो। देखकर किस्मत की रेखा ग्रह नक्षत्र बताते हो, दूसरों की किस्मत बनाने वाले खुद की किस्मत क्यों नहीं बनाते हो। ढोंगी बाबा तुम कैसा षड्यंत्र रचते हो, मन के अंदर बसे डर को हकीकत कर दिखाते हो। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम पार्वती पंडित है और आज आप सबके समक्ष मैं अपनी स्वरचित कविता पाठ करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है नारक शिकायत किसी से अब। साथ ही CFM न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे अपनी कविता पाठ करने का मौका प्रदान किया। कविता कुछ इस प्रकार है। नारक शिकायत किसी से अब, इस जीवन की अवधि अब अल्प है, थोड़े दिनों की तो बात है, न जाने कब कौन कहाँ है। महामारी का ये दौर है, मिलजुल कर रहना ही आधार है, बस कुछ दिनों की तो सांसें बची हैं, क्यों करना शिकायत किसी से है। प्रकृति ने भी ठाना है प्रलयला विनाश का तांडव मचाना है, हो रहा प्राणों का हाश है, चारों तरफ फैला हाहाकार है, कुछ पल है शेष जीवन के, चलो ना सभी शिकायतें मिटाते हैं। किसे पता कब मौत दे दे दस्तक, किसके दरवाजे पर खड़ी हो बाहें फैलाकर, चलो ना शिकायतों को भूल प्रेम का फिर से बीज बोते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी गुप्ता ब्राकर पश्चिम बंगाल से आप सभी को गोल्ड फिल्म मिरर में स्वागत करती हूँ। मैं काजी नजरुल विश्वविद्यालय MA द्वितीय सत्र की छात्रा आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कविता पेश करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जन्नी और कलमकार। जन्नी और कलमकार दोनों में क्या तुलना की जाए, जन्नी और कलमकार दोनों में क्या तुलना की जाए, दोनों तो एक ही समान है, या यूँ कहूँ कि एक ही सिक्के के दो पहलू। जिस प्रकार एक जन्नी अपने संतान को 9 महीने अपने कोख में रख कर उसे अपने रक्त से सींचती है, उसी प्रकार एक कलमकार अपनी दुख और पीड़ा से
कलम के द्वारा उजागर कर दुनिया से रूबरू कराती है। जिस प्रकार एक माँ अपनी संतान का पालन पोषण करने के लिए रात भर जागती है, उसी प्रकार कवि अपनी रचना को रचने के लिए रात भर जागते हैं। जैसे एक माँ अपनी संतान को अच्छे संस्कार देती है, उसी प्रकार एक कलमकार अपनी रचनाओं से एक नई सुबह का सूर्योदय करता है। धन्यवाद।